मजदूरों को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती का कांग्रेस पर हमला, कहा देश में मजदूरों के हालातों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, कांग्रेस की सरकारों ने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय रेलवे का बड़ा ऐलान, अगले 23 दिन में 36 लाख प्रवासी मजदूरों की होगी घर वापसी। रेलवे चलाएगा अगले 10 दिन में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, देश भर में खुलेंगे 1000 टिकट काउंटर। 25 मई को सुबह 4:30 बजे होगी लॉकडाउन के बाद पहली घरेलू उड़ान। पहले चरण में 28 फ्लाइट होंगी। यात्रियों को बोर्डिंग पास साथ लाने की सलाह। थर्मल कैमरे से टेम्परेचर लिया जाएगा। फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूरी। रेलवे ने जिन ट्रेनों के कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया था, अब उनको वापस श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में इस्तेमाल किया जाएगा। किसी ट्रेन में नहीं होगा अनारक्षित डब्बा। रेलवे की बड़ी चूक से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन ओडिशा के राउरकेला पहुंच गई। मुंबई से 21 मई को चली थी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। मुसाफिरों का आरोप, रेलवे अफसरों की लापरवाही से वे ओडिशा में फंसे। दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन रुकने पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पानी की बोतलों की लूट। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में नहीं मिल रहा भोजन और पानी, इंतजामों की खुली पोल। मुंबई में कोविड 19 के दौरान ड्यूटी कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों ने मांगी 6 दिन की अनिवार्य छुट्टी और 25,000 रुपए अधिक स्टाइपेंड। मरने वाले पुलिस वालों की संख्या बढ़कर हुई 18, कुल 44,582 संक्रमितों में 1,666 पुलिस वाले। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी, 72 नए केस सामने आने के साथ कुल संख्या हुई 243 के पार। सभी नए केस घर लौटे प्रवासियों में मिले। उत्तर प्रदेश में 50% स्टाफ के साथ खुलेंगे दफ्तर, यूपी सरकार ने जारी किए नए निर्देश, 3 शिफ्ट में कर्मचारी मंगलवार से आएंगे दफ्तर। यूपी की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए युवा उद्यमियों को मौका देने की तैयारी में योगी सरकार। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्टार्टअप होगा नया विषय। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड में 15 करोड़ की पहली किस्त SIDBI को दी गई। लखनऊ में आज इन्वेस्ट इंडिया एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम को लेकर अहम बैठक। 28 मई को होने वाले आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे सीएम योगी। कई मंत्री भी रहेंगे बैठक में मौजूद। लखनऊ में आज इन्वेस्ट इंडिया एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम को लेकर अहम बैठक। 28 मई को होने वाले आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे सीएम योगी। कई मंत्री भी रहेंगे बैठक में मौजूद। उत्तर रेलवे ने बनाया सबसे शक्तिशाली स्वदेशी रेल इंजन। 12,000 हॉर्स पावर के रेल इंजन का लखनऊ मंडल में संचालन शुरू। 118 भरे हुए वैगन को लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की क्षमता। बहराइच में पुलिस पर हमला करने वाले 8 लोग गिरफ्तार, कई अब भी फरार। सामूहिक रूप से अलविदा की नमाज पढ़ने से 2 पुलिस वालों के रोकने पर किया था हमला है कारण। गंभीर रूप से जख्मी युवक अस्पताल में भर्ती। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का ईद पर बड़ा बयान, कहा इस साल नहीं मनाएंगे ईद, वो पैसे ऐसे परिवार को दूंगा जिसकी जीविका रोज कमाने से चलती थी। ईद की नमाज मस्जिद और ईदगाहों में पढ़ने की अनुमति मांगना मानवता के खिलाफ। यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद का बयान, बाहर से आ रहे श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद स्वस्थ पाए जाने पर 21 दिन के लिए भेजा जाएगा होम क्वारंटीन के लिए। ग्राम और मोहल्ला निगरानी समिति लगातार होम क्वारंटीन पर रखे हुए नजर। देवस्थानम बोर्ड की बैठक से तीर्थ पुरोहित नाराज, गंगोत्री धाम के पुरोहितों ने जताया विरोध। सरकार पर लगाया धामों और मंदिरों की संपत्ति का अधिग्रहण करने का आरोप, पुरोहितों ने दी आंदोलन की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 42 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि, बालोद के 2 मरीज ठीक होकर घर लौटे। प्रदेश में अब 150 एक्टिव केस, 62 मरीज हुए ठीक। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को खत, प्रभावी उपायों और दिशा निर्देशों के तहत घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने की सलाह। यात्रियों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने की मांग। 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में शुरू हुई न्याय योजना पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने जारी की हितग्राहियों की लिस्ट। सूची में रमन सिंह समेत कई बीजेपी नेताओं के नाम। बीजेपी बोली ओछी राजनीति में जुटी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी पर मचे सियासी घमासान के बीच कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा हमला, कहा पिछली सरकार में हुए जमकर घोटाले, जांच के बाद कमलनाथ और जिम्मेदारों को भेजेंगे जेल। 31 मई के बाद भी इंदौर के लोगों को नहीं मिलेगी पूरी छूट, कलेक्टर बोले लॉकडाउन 4.0 में छूट से बढ़े केस, इसलिए नहीं लिया जाएगा रिस्क, धीरे धीरे मिलेंगी रियायतें। छिंदवाड़ा में 2 पुलिस वालों का एक शख्स को बुरी तरह से पीटते हुए वीडियो वायरल, बेहोश होने तक शख्स को मारते रहे डंडे, दोनों पुलिस वालों को किया गया सस्पेंड।
छिंदवाड़ा के किसान जयदेव दास को पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद बेटे नकुलनाथ ने पहुंचाई राहत, 5,000 रुपए नगद दिया। एक बैल के बीमार होने और दूसरे की मौत के बाद अपने दोनों बेटों को ही हल में जोता था। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना कटघरे में कांग्रेस ने जारी की बीजेपी नेताओं को मिली किश्त की डिटेल। लिस्ट में पूर्व सीएम रमन सिंह का भी नाम। बीजेपी ने योजना पर उठाए थे सवाल। मध्य प्रदेश में जल्द खुल सकती है शराब की दुकानें। आबकारी नीति में राहत दे सकती है सरकार। वाणिज्य कर विभाग का सभी कलेक्टरों को आदेश। बैंक गारंटी जमा न करने वाले कारोबारियों पर नहीं होगी कार्रवाई। श्रमिकों को मुफ्त में ट्रेन से घर पहुंचाने के सरकारी दावों पर उठे सवाल। भोपाल से बिहार के लिए टोकन लेने पहुंचे श्रमिकों से वसूले गए 575 रुपए। मजदूरों का दर्द, काम नहीं, किराए के पैसे कहां से लाएं? तो अधिकारियों ने बताया शासन का आदेश। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुखातिब हुए सीएम नीतीश। लोगों से जाना सुविधाओं का हाल। सीएम और प्रवासी मजदूरों के बीच संवाद के दौरान दिखी म्यूजिकल जुगलबंदी। मजदूर बोला नून रोटी खाएंगे, बिहार में ही रहेंगे। सीएम बोले ठीक है। पटना में लॉकडाउन में फंसे दुकानदारों को मिली राहत। प्रशासन ने कुछ दिशा निर्देशों के साथ सोमवार से दी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत। पूर्णिया में डीएम की पहल पर प्रवासियों को मिला रोजगार। केरल के अरनाकुलम से वापस आए दर्जी बना रहे हैं मास्क। सस्ते दर पर सरकारी विभागों और आम आदमी के लिए होंगे उपलब्ध। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का बयान, कृषि क्षेत्र में विकास के लिए कम वक्त और लंबे वक्त के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है। लोगों के खाने के तरीके के हिसाब से होनी चाहिए खेती। तमिलनाडु में एक सवारी के साथ थ्री व्हीलर और रिक्शा चलाने की मिली इजाजत। फेस मास्क जरूरी, ड्राइवर को सैनिटाइजर भी साथ रखने की हिदायत। तमिलनाडु के रामेश्वरम में ऑटो सेवा की शुरुआत। लंबे वक्त तक बगैर कमाई के बाद अब ऑटो चालक 300 से 500 कमाने लगे। दक्षिण 24 परगना के दौरे पर गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लोगों की तुरंत बिजली सप्लाई ठीक कराने की अपील। सोनारपुर में बिजली ठीक कराने की मांग पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। चक्रवाती तूफान के बाद कोलकाता में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। ज्यादातर फसल हो गई है बर्बाद, आगे और बढ़ सकते हैं दाम। कोरोना वायरस ने ईद की सेवइयां कर दी फीकी। कश्मीर में हर तरफ पसरा है सन्नाटा। दुकानें हैं बंद और सड़कें हैं वीरान। केवल होम डिलीवरी है जारी। मस्जिद में या सामूहिक रूप से नहीं पढ़ सकेंगे नमाज। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को सिंगापुर में सुपरस्टार जेमिनी क्रूज शिप में रखा गया। सिंगापुर में शनिवार को 642 नए मरीज आए, जिससे कुल संख्या 31,068 हो गई। मरीजों में ज्यादातर प्रवासी कामगार हैं। कोरोना के कारण ईद पर बांग्लादेश में नहीं है रौनक। यात्रियों से लदी रहने वाली ट्रेन, बस और स्टीमर में नहीं है पहले वाली भीड़। बांग्लादेश सरकार ने लोगों के गांव जाने पर लगा दी है रोक। जर्मनी के बर्लिन में मुसलमानों ने चर्च में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ी नमाज। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मस्जिद पड़ रही थी छोटी। मस्जिद में आ सकते थे केवल 50 लोग। जर्मनी में 4 मई से खुल गए हैं धार्मिक स्थल। मैक्सिको में कोरोना अस्पतालों के बाहर जमा लोगों को सरकार ने भोजन बांटना शुरू किया। अस्पताल में भर्ती अपने रिश्तेदारों का हाल जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं लोग। उन्हें भूखा देख सरकार ने लिया फैसला। टर्की में एक स्टार्टअप कंपनी ने बैग को डिसइंफेक्ट करने वाली मशीन बनाई। इस मशीन के बीच में से बैग घुमाते ही स्टेरिलाइज्ड हो जाता है। कंपनी को उम्मीद है कि इस मशीन के बनने से लोग मार्केट में खरीदारी करने आएंगे। कल चांद नहीं दिखने की वजह से आज 30वां रोजा कल मनाया जाएगा ईद उल फित्र। लखनऊ ऐशबाग ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान, लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग घर पर मनाएं ईद, न गले मिले न हाथ मिलाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी शख्स गिरफ्तार। मुंबई के चूना भट्टी इलाके से मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के चमोली में खाई में कार गिरने से बड़ा हादसा, 2 युवतियों की मौके पर ही मौत, 2 की हालत गंभीर। दिल्ली दंगों की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने तैयार की चार्जशीट। कोर्ट में जल्द होगी दाखिल। नॉर्थ ईस्ट दंगों में 2,500 से ज्यादा लोग या तो हिरासत में लिए गए या हुए गिरफ्तार। 3 या 4 जून को दाखिल की जा सकती है चार्जशीट। ताहिर हुसैन आईबी कर्मचारी हत्या, हेड कांस्टेबल रतनलाल हत्या, डीसीपी अमित शर्मा पर हत्या का प्रयास, शाहरुख खान पिस्टल मामले का है जिक्र। यूपी के झांसी तक पहुंचा पाकिस्तान से आया टिड्डी दल। किसानों की फसल कर रहा है चट, भारी नुकसान का अंदेशा। हरियाणा के 103 गांव पूरी तरह हिंदू रहित हुए। 82 गांव में 5 से भी कम हिंदू परिवार बचे। वीएचपी ने किया दावा। संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिलकर हालात पर एक्शन लेने की मांग की।
साहिबगंज में लॉकडाउन का दिखा असर। गंगा के पानी में अटखेलियां कर रही हैं डॉल्फिन। पर्यावरण के जानकार मान रहे हैं गंगा के साफ होने के संकेत। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक ड्राइवर ने खतरनाक ड्राइविंग करते हुए पोल में टक्कर मार दी। पुलिस का पीछा करने पर वो रॉन्ग साइड गाड़ी भगाते हुए भागा और दो अन्य कारों को ठोक दिया। बाद में पुलिस ने उसका पीछा कर दबोच लिया।